गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ एक वर्स्ट ब्राइडल मेकअप। इससे पहले भी मैंने एक वर्स्ट रिव्यूड पर्लर मेकअप करवाई थी और वो मेकअप आप लोगों को बहुत पसंद आया, आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया वो वीडियो। और आप में से कुछ व्यूअर्स ने मुझे कहा था कि इसका मैं पार्ट टू भी लाऊं, तो मैंने सोचा क्यों ना पार्ट टू में वर्स्ट ब्राइडल मेकअप किया जाए। तो इसीलिए आज मैं लेकर आई हूँ वर्स्ट ब्राइडल मेकअप। और हाँ, इसमें एक ट्विस्ट है, वो आपको बाद में पता चलेगा। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से आज मेरा ब्राइडल मेकअप हुआ है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं रेडी हूँ ब्राइडल मेकअप के लिए। यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले मेरे फेस को क्लीन किया है, क्लींजर और कॉटन की हेल्प से मेरे फेस को क्लीन कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से उन्होंने मेरे फेस को क्लीन किया है, बट नेक को उन्होंने अवॉइड किया है। फिर वो लगाएगा टोनर और टोनर कुछ अलग तरीके से लगाएगा। पहले मेरे फेस पे टोनर स्प्रे किया है और बाद में एक ड्राई कॉटन बॉल लेके मेरे फेस को पोछा लगाना शुरू कर दिया है। अब वो लगाएगा मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर अच्छे से ही लगाया है बट फिर से मेरे नेक को अवॉइड किया गया है। चलो कोई नहीं, उन्हें इतना तो पता है ये बेसिक स्किन केयर। मेकअप से पहले अपने फेस क्लीन होना चाहिए, मॉइस्चराइज होना चाहिए, इतना तो उन्हें पता है, इसीलिए मुझे अच्छा लगा। बहुत ही अच्छे से उन्होंने मेरे फेस पे CTM किया है, यानी क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, जो कि हमारे स्किन के लिए बेहद जरूरी है। फेस पे प्राइमर लगाने के बाद अब वो मेरे फेस पे लगाएगा फाउंडेशन और मेरे स्किन टोन से काफी मिलता जुलता फाउंडेशन की शेड लगाया गया है। इस बार उन्होंने मेरे नेक पे फाउंडेशन तो लगाया बट पूरे नेक को कवर नहीं किया, बस हाफ नेक पे ही मुझे फाउंडेशन लगाया गया है। अरे मेकअप आर्टिस्ट जी, मेरे नेक ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो आप मेरे नेक के साथ इस तरह की ट्रीट कर रहे हो? क्यों ना इंसाफी हो रहे है मेरे नेक के साथ? क्यों क्यों क्यों? पर फाउंडेशन नेम ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड किया गया है और अच्छे से ही ब्लेंड किया है उन्होंने। कोई पिटाई नहीं किया है और कोई तबला नहीं बजाया है, पर उन्होंने मेरे ईयर को तो छोड़ दिया, पर उन्होंने ईयर पे कोई फाउंडेशन नहीं लगाया, उन्होंने सिर्फ मेरे फेस पे ही फोकस किया। नेक एंड ईयर को उन्होंने बहुत ही अवॉइड किया है। अब वो डॉट डॉट करके मेरे आईज पे कंसीलर लगा दिया है। अब वो कंसीलर ब्लेंड कर रहा है पर ब्लेंडिंग तो अच्छे से हुआ ही नहीं था। मैंने उन्हें बोल कर फिर से अपने आंखों की ब्लेंडिंग करवाई है। ऐसा थोड़ा सा ब्लेंड कर दीजिए। अगर मैं दोबारा से ब्लेंडिंग के लिए नहीं कहा होता तो मेरे कंसीलर आधे अधूरे ब्लेंड के साथ ही छोड़ देते। फाउंडेशन सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट लगाया जा रहा है और आप देख ही सकते हो मेरे नेक की हालत क्या हल बना दिया है मेरे नेक के। पता नहीं यार मेरे नेक के साथ उन्होंने क्यों इतना नाइंसाफी किया है। इस मेकअप की असली मजा तो अब आएगा। तो आईज मेकअप के लिए उन्होंने सबसे पहले मेरे पूरे आईलिड पे ये ब्राउन शेड आई शेडो लगा दिया है और पूरे आईज पे अच्छे से फैला दिया है, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों ओर अच्छे से फैला दिया है। अब मेरे आउटर वी पे ये रेड शेडो लगा रहा है और देखिए किस तरह से ब्लेंड कर रहा है। अब देखो ये क्या करेगा, मेरे आईज पे ग्लिटर लगा देगा। ये लोग ग्लिटर लगा रहे हैं उंगली से, वो भी इस तरह से डैप डैप करके पोता जा रहा है मेरे आईज पे ग्लिटर। देखिए ये देखिए किस तरह से चिपकाया जा रहा है। अब एक गहरा काला काजल से मेरे आईब्रो फिल अप करेगा। आईब्राउज जितना काला करना चाहता था उतना काला नहीं हो रहा था, इसीलिए उन्होंने घिसर घिसर कर अप्लाई करना शुरू किया। चलो उन्हें ये तो पता है मेरे आईब्रोज को सेट कर रहे हैं एक ब्रश की मदद से, इतना भी बुरा नहीं किया है। चलो ओके ओके, बट अब जो वो करेगा वो तो हद है हद।
अब वो जो कर रहा है वो है कि आईब्राउज की ब्रश से वो मेरे फेस को कंटूर कर रहा है, मतलब कुछ भी। फिर उन्होंने ब्लशर लगाया और शायद ब्लशर उन्हें बहुत ही लाइट लगा, इसीलिए उन्होंने क्या किया, मेरे चीक पे लिपस्टिक लगा दिया इस तरह से। अब तो मेरे पूरे फेस पे झाड़ू लगाएगा, जी हाँ झाड़ू। फिंगर टिप्स की मदद से पूरे फेस पे इस तरह से हाइलाइटर लगाया। फिर बाद में क्या किया, एक ब्रश लेकर इस तरह से पूरे फेस पे जैसे झाड़ू नहीं लगाता है उस तरह से झाड़ू लगाना शुरू किया। सच्ची में मुझे वैसे ही लगी थी कि झाड़ू लगा रहा है। लास्ट वर्स्ट मेकअप पे मेरे फेस पे पोछा लगाया गया था, बट इस बार मेरे फेस पे झाड़ू लगाया जा रहा था, यही बाकी था मेरे फेस पे। मुझे तो अब ऐसा लग रहे है कि ये मेरे फेस नहीं फ्लोर है, फ्लोर। अब ये मेकअप आर्टिस्ट लगा रहा है आईलाइनर, ऐसे वैसे आईलाइनर नहीं, विंग आईलाइनर, विंग। फिर शायद उन्हें लगा कि ये विंग तो बहुत ही खतरनाक हुआ है, तब जाके उन्होंने क्या किया, एक कॉटन बॉल लेकर इस तरह से पोछा लगा रहा है मेरे विंग को, देखिए। और लाइनर के साथ साथ जो भी कॉम्पैक्ट कंसीलर लगाया था सारे के सारे रिमूव कर दिया। चलो इतना तो अकल है, फिर से कॉम्पैक्ट से सेट कर दिया है, सिर्फ कॉम्पैक्ट लगाया है, उसे बेलेंडुआ नहीं किया, उसे भी मुझे ही करना पड़ा। अब लगाया जा रहा है काजल। मेरे आईलाइनर की विंग देखो, बिल्कुल बकरे की सिंक लग रहे हैं। पहले एक रेड लिपस्टिक लगाया था तो मैंने बोला मेरा साड़ी तो पिंक कलर की है, तो उन्होंने फिर से रेड के ऊपर ही पिंक कलर लिपस्टिक लगाया, फिर एक बड़ा सा रेड बिंदी लगा दिया है। और आप देखो क्या करेगा, इतना तो ठीक है, अब उसके नीचे और एक चमकीला बिंदी लगा देगा। ये रहा मेरा ब्राइडल मेकअप, पर ब्राइडल की बीबी नहीं हुआ है ये। मुझे किसी ने वर्ड्स ब्राइडल मेकअप देखकर कहा था, इससे अच्छा तो मैं ही कर दूंगा ब्राइडल मेकअप। आगे आपको पता चलेगा ये किसने कहा था। तो गाइस, आप लोगों ने देखा कैसे मेरा ब्राइडल मेकअप हुआ है। ऐसा खतरनाक मेकअप इससे पहले आपने शायद कभी नहीं देखा होगा। सच में था ना, बहुत खराब, भयानक, खतरनाक, वाहियात मेकअप। उस मेकअप के साथ में और थोड़े देर भी रह नहीं पा रही थी, और कैमरे के सामने तो मुझे आना ही नहीं था उस मेकअप के साथ, फिर भी मैंने इतना सा आया और मैंने साथ ही साथ चेंज कर लिया, अपने फेस वॉश कर लिया। कोई करता है क्या इतना भी गंदा मेकअप? तो आप जानना नहीं चाहोगे इतना वाहियात मेकअप किसने किया है, वो मेकअप आर्टिस्ट कौन है? चलिए मैं आपको मिलाती हूँ वो मेकअप आर्टिस्ट से। तो ये रहा हमारा मेकअप आर्टिस्ट, आइए जी, आपका स्वागत है, आ जाओ आ जाओ, स्वागत है आपका। तो ये रहा हमारा मेकअप आर्टिस्ट। तो कैसा लगा आपको मेरा ये मेकअप जो मैंने किया है आज, जरूर कमेंट करना। बहुत अच्छा हुआ मेकअप, बहुत अच्छा। ऑब्वियसली आई हैड ट्राइड माय लेवल बेस्ट, ओके। फिर भी मुझे ऐसा लगता है अच्छा ही किया है मैंने, जितना ऑब्वियसली अच्छा किया है मैंने। मैंने जितना मतलब ब्राइडल मेकअप, वर्स्ट ब्राइडल मेकअप देखा है यूट्यूब में, 1500 1000 इतने में करवा रही है, 2500 उन लोगों का पार्लर है, प्लस वो लोग मेकअप आर्टिस्ट भी है, उसके बावजूद उनके मेकअप वर्स्ट होता है, और उसके साथ कंपैरिजन में इन्होंने अच्छा ही किया। इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है और ये मेकअप आर्टिस्ट भी नहीं है, फिर भी उन्होंने किया, कोशिश किया, अच्छा ही किया। थैंक यू, थैंक यू। पहले बैंड बजा लिया, आप तारीफ कर रही हूँ, तारीफ करना है। और इसके लिए और इस मेकअप के लिए मैंने इन्हें पेड किया है 0 रुपीज, 0। हाँ, इसका मतलब क्या है, आज का जो ये मेकअप है बिल्कुल और हाँ गाइस, अगर आपको वर्स्ट मेकअप करवाना है तो आप यहाँ पे आ जाइए और इनके पास करवा लीजिएगा अपना वर्स्ट मेकअप, बिल्कुल फ्री में ये कर देगा। yes. आपको 1000 2000 3000 कोई पैसा देना नहीं है, आपको पे करना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फ्री से कर दूंगा आपको, इनके पास आ जाइएगा। बिल्कुल, कभी अच्छा कर लेता है वर्स्ट मेकअप, देखा ही आपने, अच्छा कर लेता है। हाँ, वर्स्ट मेकअप अच्छा कर लेता है। अच्छा, वर्स्ट मेकअप अच्छा कर लेता है। यस, गुड। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और मेरा मेकअप आपको पसंद आया और आप थोड़ा भी एंटरटेन हुए,
तो कर देना इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। तो मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।